नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की लीडिंग आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और साथ साथ रिवेन्यू के हिसाब से इंडिया की पांचवी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपको दोस्तों एडवांस में बता दें, आज की डेट में कंपनी में बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो रही है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बात की, टेक महिंद्रा लिमिटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कंपनी है आईटी सेक्टर की, और साथ साथ ये महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है, और महिंद्रा ग्रुप ग्लोबली एक काफी रिनॉन ग्रुप है। और बात करें अलग अलग सेक्टर की, तो इनके पास में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती हैं। जैसे आईटी सेक्टर में ये होगी टेक महिंद्रा, फिर एग्रीकल्चर है, एरोस्पेस है, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, इन सारे सेक्टर्स में महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज हैं और काफी अच्छा काम वो कंपनियां कर रही हैं। अब हम बात करते हैं टेक महिंद्रा की। तो अगर हम बात करें टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा बहुत ही वाइड रेंज में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लगभग सारे टाइप की आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स भी हैं उनके पास में, रिटेल से, फाइनेंशियल से, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल के क्लाइंट्स कंपनी अवेलेबल हैं, और कंपनी काफी स्ट्रांग बिजनेस है। इसके अलावा बात करें कंपनी मेन मेन कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कंपनी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज देती है। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एप्लीकेशन सर्विसेज यानी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, वो सब चीजें। उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, साथ में बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, ये सारी टाइप की सर्विस जो है वो टेक महिंद्रा प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। उसके बाद बात करें कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस की, तो कंपनी इंडिया के अलावा 90 अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल है, और कंपनी पास में 1,50,000 एम्प्लॉयज का काफी अच्छा एम्प्लॉय बेस भी है जो अलग अलग कंट्रीज में कंपनी के लिए काम करते हैं। और कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो 1200 प्लस कंपनी पास में क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, और इसमें बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो भी टेक महिंद्रा से अपनी सर्विसेज लेते हैं। इसलिए बात करें कंपनी के वर्टिकल वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप की, जो मैंने बात की कंपनी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी काम करती है, तो कंपनी को कम्युनिकेशन सेक्टर्स की जो कंपनी है, क्लाइंट्स है, वहां से 40% रिवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को 16% रिवेन्यू आता है। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से कंपनी को 16% रिवेन्यू आता है। टेक्नोलॉजी, मीडिया और एंटरटेनमेंट, इस तरह के क्लाइंट से कंपनी को 9% रिवेन्यू आता है। और रिटेल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से कंपनी को 8% रिवेन्यू आता है, और बाकी जो भी अदर क्लाइंट्स हैं वहां से कंपनी को 11% रिवेन्यू आता है। और इस ब्रेकअप को देख के हम क्लियरली कह सकते हैं कंपनी को कम्युनिकेशन सेक्टर से सबसे ज्यादा 40% रिवेन्यू आता है। मेन डिपेंडेंसी कंपनी के बिजनेस की उसी के ऊपर है। बाकी ओवरऑल देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड भी है, और लगभग सारे वर्टिकल से काफी अच्छा कंपनी का रिवेन्यू आता है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रिवेन्यू की, तो कंपनी को अमेरिकन क्लाइंट से या अमेरिका से 48% रिवेन्यू आता है। यूरोप से कंपनी को 26% रिवेन्यू आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्रीज है वहां से कंपनी को 26% रिवेन्यू आता है। और यहां से देखें तो इससे हमें यह पता लगता है कि अमेरिका और यूरोप से कंपनी को मेनली रिवेन्यू आते हैं, और अगर वहां पे कोई भी बिजनेस अच्छा चलता है या कोई इकोनॉमी में डाउनफॉल आता है तो इस तरह की कंपनीज के शेयर प्राइस में भी डाउनफॉल आता है। इसीलिए क्योंकि इंडियन कंपनी जरूर है, लेकिन बिजनेस देखें तो मेनली अमेरिका और यूरोप से हो रहा है, तो वहां की मार्केट में, वहां की इकोनॉमी कुछ भी गड़बड़ होती है या कुछ अच्छा होता है, तो उसी हिसाब से इन कंपनी के प्राइस में भी, स्टॉक प्राइस में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें कंपनी के मेन फोकस या फ्यूचर प्लान्स की, तो कंपनी आज के डेट में नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस कर रही है, जैसे कि 5G हो गया, उसके बाद ब्लॉकचेन है, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो भी सर्विस है इनको कंपनी एनहेंस करना चाह रही है, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करना चाहती है, और उनको अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके अपना और ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो बढ़ाना चाहती है। तो इस हिसाब से देखें तो इसे हम देखा कंपनी में सारे वर्टिकल जो अलग अलग कंपनी काम करती है वहां से रिवेन्यू भी अच्छे आते हैं, कंपनी में काफी अच्छे क्लाइंट भी अवेलेबल है। तो बिजनेस वाइज हम बात करें तो काफी अच्छी कंपनी है, और साथ साथ हमने बताया कि पांचवी सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है, तो इससे में यह पता लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में, सर्विस में दम है, इसलिए कंपनी इतनी अच्छी मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। तो हिसाब से देखें तो बिजनेस वाइज काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के सर्विस के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि आज के दिन में कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट्स और दूसरी चीजें वो कैसे चल रही है, जिससे कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके।
और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूँ, जिससे मैं सारे पैरामीटर को अच्छे से चेक कर सकें। और सबसे पहला पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वो होता है रिवेन्यू। रिवेन्यू से हमें यह पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 2018 में कंपनी के रिवेन्यू थे लगभग 31,000 करोड़ पे, और 2022 में बढ़ के 44,000 करोड़ पे हो गए हैं। और लगभग हर साल ही कंपनी के रिवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी के जो रिवेन्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। 30-34 हज़ार रुपए के आसपास थे 2019 में, और 2022 में 44,000 करोड़ में। तो इंक्रीमेंट तो आया, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई। अगर बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 15-18% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। क्योंकि अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, HCL है, इंफोसिस है, TCS है, तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 25-27% के आसपास का है पिछले 5 साल में। इस कंपनी का 15-18% है। तो इस समय क्लियरली ये पता लगता है कि तो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट जो होगी वो तो होगी ही, साथ साथ कंपनी हो सकता है अपने प्राइस भी कम करके अपनी सर्विस ऑफर करती हो कॉम्पिटिशन की वजह से, इसलिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दूसरी कंपनी के मुकाबले कम आ रहे हैं। इसके बाद में अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन जैसे ही रेवेन्यू है वैसे ही नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया है। 3700 करोड़ रुपए के आसपास का 2018 में था, फिर 2022 में बढ़कर 5600 करोड़ रुपए हो गया। तो प्रॉफिट में फिर भी थोड़ी ठीक ठाक ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी प्रॉफिट के साथ साथ ही इंक्रीज होते हमें दिखाई दे रही है। 2018 में 38 रुपए के आसपास की कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी, और 2022 में भी 57 रुपए 27 पैसे हुई है। तो प्रॉफिट कंपनी का थोड़ा अच्छे से इंक्रीज होते हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे करा है, और बल्कि पिछले 2 साल से तो बहुत ही अच्छा 89% का 2021 में, और 2022 में 71% का बहुत ही अच्छा कंपनी ने डिविडेंड पे आउट दिया है। इससे में क्लियरली ये पता लगता है कंपनी कैश रिच है, कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, और साथ साथ जो पैसा बच रहा है उसको वो एज ए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को भी पे कर रही है। तो उस हिसाब से कंपनी अच्छे में दिखाई दे रही है। इसके बाद करें कंपनी के की रेशियो के CAGR की, तो उसे 5 साल हम देखें तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 9% से इंक्रीज हुई है। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। उसके बाद बात करें कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कंपनी ने प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 15% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है, और ये काफी अच्छा साइन है। इसके बाद बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस के CAGR की, पिछले 5 साल में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 21% के नंबर से इंक्रीज हुआ है, और ये भी काफी अच्छा नंबर है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, कि जिन्होंने पहले पैसा इंक्रीज उसमें इन्वेस्ट किया था, तो आज भी कंपनी के प्राइस जो है स्टॉक के वो काफी अच्छे से इंक्रीज हो चुके हैं। इसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो में ये पता लगता है कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है उसमें खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है, और लोन लेके कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है। अगर कोई भी कंपनी ज्यादा लोन लेते हैं तो बड़ा ऑफिस उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, और रीपेमेंट का बर्डन भी उसके ऊपर आता है। लेकिन यहाँ बात करें टेक महिंद्रा की, तो इसका डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0.10, यानी कि 100 रुपए अगर अपने पैसे लगाए कंपनी ने तो सिर्फ 10 रुपए का लोन लिया हुआ है, और कोई खास लोन भी कंपनी के पास नहीं है, इसलिए कंपनी कोई भी रीपेमेंट की या इंटरेस्ट की जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आने लगी। उसके बाद बात करें कंपनी ने जो भी डेट लिया हुआ है उसकी क्रेडिट रेटिंग की, तो केयर रेटिंग्स ने कंपनी को रेटिंग दिए हैं। जो लॉन्ग टर्म के डेट कंपनी ने लिए हैं उसकी AAA रेटिंग है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनी के पास में जो ये डेट है वो हो गया। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में केयर रेटिंग्स ने कंपनी को A+ की रेटिंग दी है। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में जो भी कंपनी ने डेट लिया हुआ है उसके ऊपर कंपनी को काफी अच्छी रेटिंग मिली है। इसका मतलब भी यही है कि कंपनी जो भी डेट होल्ड करती है उसको आराम से पे कर सकती है। जो भी इन्वेस्टर अगर डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, तो उनको भी आराम से पेमेंट, आराम से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर एज एन इक्विटी अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी उसके पैसे ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे देखें पिछले साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 22% का, ये काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि 15% है उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफी अच्छी कंपनी माना जाता है, और इसका 22% आ रहा है तो ये भी काफी अच्छा नंबर है। और सिर्फ लास्ट की बात नहीं है, पिछले 5 साल का एवरेज देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ये 20% का आ रहा है, और ये भी काफी बढ़िया नंबर है। तो इस समय देखें तो टोटल हम जो कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल चेक किए उन्होंने देखा कंपनी के रिवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज नहीं हुए हैं। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे से 15% के CAGR से इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी हम देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दूसरी कंपनी के मुकाबले कम है।
जैसे हमने बात की टीसीएस में, उसमें देखा था हमने तो 25% 27% का वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इस कंपनी 18% का है, तो दूसरी कंपनी से कम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन फिर भी बाकी सारे हमने पैरामीटर चेक किए, उस हिसाब से कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल हम कह सकते हैं कंपनी में बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल अवेलेबल। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और जैसा आपको हमने शुरू में बताया था कि आज की डेट में कंपनी काफी सस्ते दाम मिल रही है, तो हम उसी की कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से कंपनी में सस्ते दाम मिलती है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो वो पैसा होता है जो फ्रीली कंपनी के पास अवेलेबल होता है, सारे खर्चे करने के बाद में, जो भी कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, सब करने के बाद में पैसा फ्रीली अवेलेबल है, और वो पैसा है जो एक ओनर या एक इन्वेस्टर अपने घर लेके जा सकता है। अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है, कंपनी नेट प्रॉफिट बुक तो कर लेती है लेकिन सारा पैसा कंपनी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैड डेट्स होते हैं, या फिर अगर पैसा मिलता भी है तो बहुत सारी छोटी कंपनी ऐसी होती है जो बार बार पैसा उनको जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो कोई खास पैसा अपने घर नहीं ले जा पाते हैं। तो इसलिए हमारे हिसाब से फ्री कैश फ्लो इज द राइट वैल्यूएशन के लिए, जो हमें एक पैरामीटर जो होता है वो एक फ्री कैश फ्लो होता है। और यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का टोटल कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो आ रहा है 15,500 करोड़ रुपए। अब इसको हम 3 से डिवाइड करके इसका एवरेज लेते हैं तो आता है 5,170 करोड़ रुपए, यानी कि हर साल कंपनी लगभग 5,170 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 2,58,500 करोड़ रुपए, यानी कि ऐसी कंपनी जो 5,170 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 2,58,500 करोड़ रुपए। अब इसको हम अगर पर शेयर के साथ निकालें तो आता है 2,660 रुपए, यानी कि 2,660 रुपए पर शेयर जो है कंपनी की फेयर वैल्यू हो गई, कि अगर हम इस वैल्यू पे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो इतना इसका प्राइस बनता है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे या उससे ज्यादा प्रीमियम देके खरीदेंगे तो हम कंपनी को जो है रिस्क में खरीदेंगे, यानी कि जो हमने डेटा वगैरह चेक किया, जो हमने ये चेक किया, क्या बोलते हैं उसको, फ्री कैश फ्लो, सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी कल को इतना कैश जनरेट ना कर पाए या कंपनी में प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी का बिजनेस डाउन हो जाए, तो उसके लिए हम हमेशा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसके अंदर कंपनी का जो भी फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश कीजिए, जिससे तो कंपनी को हम सस्ते दाम पर खरीद पाएंगे, साथ साथ जो भी आने वाला रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 2,660 रुपए पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1,330 रुपए पर शेयर। तो अगर हम 1,330 रुपए पर शेयर पे आज की डेट में टेक महिंद्रा कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफी सस्ते दाम पे खरीदेंगे और अपने जो भी आने वाले रिस्क है उनको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये तो भी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के एक्चुअली आज की डेट में क्या करंट शेयर प्राइस चल रहा है, तो आपको बता दें आज की डेट कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 1,127 रुपए पर शेयर, यानी कि जो हमने कंपनी का फेयर वैल्यू निकाला 2,660 रुपए, उसका 50% हुआ 1,330, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे दामों पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है। और इस वैल्यूएशन को चेक करके बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि आज की डेट में कंपनी हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, चाहे हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है जो भी है, हमें अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके और दूसरा साथ साथ कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करके फिर डिसाइड करना है कि हमें कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से है। आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है या किस प्राइस में इन्वेस्ट करना है, ये आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चेक कीजिए। और अगर आप किसी हेल्प लेना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ हैं या स्टॉक ब्रोकर हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, तब आप डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है और साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, और क्लियरली हम देख पा रहे हैं आज इनमें ये कंपनी क्लियरली अंडरवैल्यूड कंपनी है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।